आज राजधानी लखनऊ में एमेच्योर खो खो संघ की तरफ से राजधानी लखनऊ के गांधी इंटर कॉलेज में खो खो की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खो खो के 122 खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया, जिनमें 15 पुरुष व 15 महिला खिलाड़ियों का चयन हुआ, जो 20 व 21 दिसंबर को जौनपुर के जनता इंटर कॉलेज में प्रदेश स्तरीय खो खो की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश खो खो संघ के कोऑर्डिनेटर रविकांत मिश्रा उपस्थित रहे और सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही साथ लखनऊ खो खो एसोसिएशन की तरफ से रविकांत मिश्रा का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान रविकांत मिश्रा ने कहा कि इस खेल में प्रतिभा करने वाले खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। साथ ही साथ लखनऊ खो खो एसोसिएशन के सचिव अजीत यादव ने कहा कि जल्द ही राजधानी लखनऊ में खो खो को लेकर एक बड़ा आयोजन करेंगे। उन्होंने कहा कि अपने पिताजी की याद में खो खो से संबंधित एक बड़ा कार्यक्रम करने का विचार उन्होंने बनाया है और इसके लिए उच्च स्तरीय टीम के साथ वह बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि खो खो को लेकर के हमारे खिलाड़ियों के अंदर जोश है और सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। देखिए, लखनऊ के खिलाड़ियों को पूरी एकरूपता के साथ, समानता के साथ, उनको अपने प्रदर्शन के लिए भरपूर मौका मिले, लखनऊ जनपद का नाम रोशन करने के लिए उनको मौका मिले, इसलिए यहाँ पर एक जिला स्तर का ट्रायल रखा गया था। यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है उसकी तरफ से आदरणीय प्याली घोष जी और अजीत सिंह यादव जी ने इसे कंडक्ट कराया। गांधी मैदान पर, गांधी स्कूल यहाँ पर है आलमबाग में, और इसी परिप्रेक्ष्य में आज मुझे आमंत्रित किया गया। मैं यहाँ पर आया और मैंने देखा कि लगभग 150 बच्चे यहाँ पर पुरुष एवं महिला वर्ग के सीनियर प्रतियोगिता में जाने के लिए, प्रतिभाग करने के लिए उन्होंने चयन ट्रायल में प्रतिभाग। मैं अजीत सिंह यादव, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी खो खो एसोसिएशन लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश एमच्योर खो खो संघ से मान्यता प्राप्त है, और मेरे द्वारा आज यहाँ जो शिवानंद नायक जिसके महासचिव हैं उत्तर प्रदेश के एमच्योर खो खो एसोसिएशन के, आज मैंने लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल कराया है। इसमें लगभग 122 खिलाड़ियों ने प्रतिभा किया है गर्ल्स बॉयज़ मिला के, और 15-15 बच्चों का ट्रायल हुआ है, जिनमें से ये कल टीम जौनपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। 15-15 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 15 लड़के। और ये खेल कहाँ पर होगा? ये जौनपुर के मेहंदी जनार्दन इंटर कॉलेज में जौनपुर में आयोजित हो रहा है 20-21 दिसंबर। आगे भी आप इस खेल को प्रोत्साहन देने के लिए क्या योजना बना रहे हैं? बिल्कुल योजना बना रहा हूँ। मेरे फादर यूपी सेक्रेटरी रहे, उनकी डेथ हो चुकी है, मैं उनकी याद में सीनियर नेशनल प्रतियोगिता कराना चाहता हूँ, और मैं इसके लिए फेडरेशन से पूरे संपर्क में हूँ कि मुझे अपने पापा के नाम से सीनियर नेशनल प्रतियोगिता लखनऊ में करानी है।